सबसे पहले कारण आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है तो इसके घरेलू जो नुस्खे हैं या जो होम रेमेडीज़ हैं उसको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हमें कर सकते हैं। सबसे पहले डाइटरी चीज़ें जो हम बैठे उठाए घर के अंदर कर सकते हैं। खाने के अंदर अगर मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा चल रही है तो उसको हटा दिया जाए। अगर ग्लूटेन वाली डाइट्स ज़्यादा हैं उसको हटा दिया जाए। वीट का प्रयोग कम किया जाए या कम किया जाए तो इसके अंदर अलग अलग मिक्स यूज़ किए जाएं कि फाइबर कंटेंट बढ़ जाए। कई बार ग्लूटेन इटसेल्फ भी कॉन्स्टिपेशन करती है। फिर उसके बाद आपके फ्रूट्स, फाइबर्स एंड जो प्रोबायोटिक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल हैं, इनको बढ़ाना है। कई बार किसी लोग को सैलेड बिल्कुल पसंद नहीं है, टेस्ट भी नहीं अच्छा, तो इट डजेंट मीन कि आपको सिर्फ सैलेड ही खाना है। देयर आर मैनी ऑप्शन, आप फ्रूट खा सकते हैं। फ्रूट में आपको अच्छी क्वालिटी का फाइबर मिल रहा है, रीजनेबल क्वांटिटी में फ्रूट्स आप लीजिए। साथ के साथ आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं कुछ सीड्स वगैरह खाने के अंदर। रोटी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत रखिए। प्रोटीन अगर लेते हैं तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, ज़रूरत के हिसाब से लेना है। ज़्यादा हैवी प्रोटीन नहीं लेना जो डाइजेस्ट ना हो पाए, और वो भी कई बार कॉन्स्टिपेशन करता है। तो ये हो गया हमारे खाने से रिलेटेड कि क्या क्या हम खाने से चेंज कर सकते हैं। अब हमारा अगर लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, बैठना का काम है, जॉब ही ऐसी है कि 12-12 घंटे, कई लोगों की नाइट शिफ्ट होती है पूरी पूरी, उनका पैटर्न ही चेंज हो रखा है, तो हम वो जॉब तो नहीं छोड़ सकता। अब उसको उसमें कैसे एडजस्ट करना है, उसका तरीका ये है कि जब भी पॉसिबल हो मूवमेंट करनी है। अगर आप बैड सिटिंग काम है तो भी आपने पॉज लेके बीच में पानी का गिलास भी खुद लेना है अपना, जाके मूवमेंट करनी है। कुछ टाइम बैठे बैठे नहीं, बैठने की जगह खड़े हुए कुछ देर काम कर लेना है। और इस सब के बावजूद अपना वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग ऑलमोस्ट सारी बॉडी के जितने भी इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हैं प्लस सब जॉइंट्स के लिए, इवन हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो बॉडी को एक्टिव और फिट रखने में काम करती है। इसके बाद इतना करने पे अगर फ़ायदा मिल जाता है तो सफिशेंट है। अगर इसके बावजूद भी नहीं हो रहा, योगा के कुछ आसन भी हैं जो हमें मदद कर सकते हैं। तो कॉमनेस्ट इसके अंदर पवन मुक्त आसन है, उसकी जिसके अंदर अबडोमिनल के ऊपर प्रेशर पड़ता है, कोलन के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर करके वो इसकी इवैक्यूएशन में हेल्प करता है। फिर आता है हलासन। हलासन को कंप्लीट हलासन भी कर सकते हैं, अर्ध हलासन भी कर सकते हैं, हर एक के लिए। योगा फॉर एवरीवन है, तो एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको कंप्लीट करना है। जिस पोज का जितना पोर्शन आप कर सकते हैं, मैं पूरा डिटेल इसके बारे में बताऊँगा, पर अभी ये आसन आपको याद कर लेने हैं। पवन मुक्त आसन है, हलासन है, अर्धहलासन कर सकते हैं। उसके बाद आप चाइल्ड पोज बोलते हैं, भुजंगासन काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग देता है कोलन के ऊपर, वो काफ़ी हेल्पफुल है इसके अंदर। और फिर एक मल आसन है, जो पोजीशन है मल के अंदर, ऐसा नहीं कि स्टूल पास करते हुए आपको वो आसन करना है, वो मल आसन की पोजीशन पर जब आप बैठते हैं तो स्टूल का सारा के सारी मूवमेंट वहाँ पे जैसे जिस तरह से पहुँचनी चाहिए वैसी आ जाती है, तो आपको एक अर्ज फील होती है तब। एक चीज़ आपको सेंट्रल याद रखनी है कि जो भी एक्सरसाइज है, जो भी आसन करते हुए अगर आपको दर्द होनी शुरू होती है वहीं रुक जाना है, उसकी जगह कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं, या उसी को करना है उस लिमिट तक जहाँ तक जैसे स्ट्रेचिंग हो जाए दर्द ना हो। दर्द होने शुरू हुई इसका मतलब कहीं कुछ गलत हो रहा है, या अभी बॉडी में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई कि उससे आगे आप जा सकते हो, तो अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना। योगा का मतलब ही सहज होना है। अगर आप सहजता से, जो नेचुरल नेचर की तरह से अगर आप नहीं कर रहे, तो आप कहीं ना कहीं कुछ उसके अंदर गलत कर रहे हो, जो हार्मफुल हो सकता है, फ़ायदा देने से ज़्यादा नुकसान कर सकता है।